जी कॉलर, आप लाइन पर हैं, प्लीज गो हैड विद योर क्वेश्चन। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम की तारीफ करूंगी कि मेरा ख्याल है पूरे हफ्ते में ये सबसे ज्यादा नफा बख्श घंटा होता है जिसमें वाकई अपने मसाइल और तस्की की बातें सुनने को मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, से बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला आपका। मेरा सवाल था कि हजरत, कुछ लोग जनरली बहुत नाइस होते हैं, उन्हें नेचर में ही होता है कि वो हसद ना करते हैं, ना उनके दिमाग में ये बातें आती हैं, और वो दूसरों की खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं। किसी और की यहाँ कोई खुशी हो, कुछ हो, तो वो वाकई बहुत खुश होते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन हजरत, उसका भी उनको कोई सिला वैसे तो नहीं मिलता? लोग उनकी नियत पे वैसे ही शुबा करते हैं, कहते हैं नहीं, ये हसद करने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इतना आगे बढ़ चढ़ रहे हैं, और इनकी नियत में कोई फुतूर है और क्या है, जबकि वो जेन्युइनली नाइस हैं, वो वाकई आपके लिए खुश हो रहे हैं। तो हजरत, फिर ऐसे लोग क्या करें, वो अपनी खुशी का इजहार नहीं करें? शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत रेलिवेंट सवाल है। तो हजरत, इसके बाद बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नहीं, ये उसमें ऐसा है कि नहीं, वो अपनी नेकी और अपनी नेक तबीयत को ना छोड़े, वो उसी तरह करें, बाकी उसके सिले की उम्मीद ना रखें। सिले की उम्मीद अल्लाह से रखें, क्योंकि सारी मखलूक भी मिल जाए तो आपको कोई नफा नहीं दे सकती, नफा अल्लाह ने देना है, और सारी मखलूक भी मिल जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना नुकसान अल्लाह ही, नाफे और जार अल्लाह की जात है। लिहाजा ये लोगों को नेक सलूक करें, जैसे बाई नेचर जो है वो लोगों में खुशियां बांटने वाला आदमी है, वो अपना बांटता रहे, बाकी लोग उसकी नीयत पर कुछ भी कहें। लोग का ये लगता कोई मतलब है, ये ऐसे नहीं, ये कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इतना नेक बन रहा है, इतना शरीफ बन रहा है, तोहफे ताइफ दे रहा है, तो लोग कहते कहते रहे, ये उन चीज़ों को केयर ना करे। अगर ये चाहता है अल्लाह, क्या मेरा अजर बनता रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक बता रहा तो इस तरह खुशियाँ बांटने वाले से खुश होता है और दुख दर्द में शरीक होने वाले से खुश होता है। तो वो शख्स अपनी जो है वो नेकी को ना छोड़े। वो भी बात है ना कि एक बुजुर्ग किसी दरिया के किनारे बैठे थे, तो बिच्छू जो है वो डूब रहा था, बिच्छू, उसने बिच्छू को यूँ पकड़ के निकाला तो बिच्छू ने डस लिया, उन्हें जल्दी से यूं किया तो फिर वो अंदर गिर गया, डूबने लगा, उन्हें फिर निकाला, फिर डस लिया, फिर उन्हें झाड़ दिया। तो दो तीन दफा ये हुआ, तो एक शख्स गुजरा मुसाफिर, कहा जी क्या कर रहे हैं आप इस बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं, ये कमबख्त आपको डस रहा है और आप बार बार उसको डूबते को बचाते हैं। उस पर उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने फरमाया देखो भाई, मैं जो है ये इसकी इस फितरत की वजह से मैं अपनी नेकी क्यों छोड़ूं, वो अपनी बुरी फितरत नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी नेकी करने की अच्छी फितरत क्यों छोड़ूं, लिहाजा वो अपनी बुरी फितरत में कायम रहे, मैं अपनी अच्छी फितरत में कायम रहूंगा, लिहाजा मैं तो डूबतों को सहारा देना ये मेरी नेचर है, वो मैं देता रहूंगा, बाकी उसका काम है, वो आगे से जो उसके पेट में उसको जाहिर कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी नेकी पे कायम रहें, लोगों से खुशरूबी से मिलें, खुशियां बांटें, उनके गमों का मदावा करें। अब लोग आप पर कोई तोहमत बांधते रहें, नबियों पे तोहमते लगी और बलियों पे तोहमते लगी, ये ना सोचे कि मुझे अब ये लोग अच्छा सिला दें, मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी तारीफ करें, ये ना सोचे, सिला अल्लाह से मांगे, क्यों अल्लाह ही सिला देने के काबिल है जो आप कर रहे हैं। अब जब ये अल्लाह की तरफ अपने सिले को रखेगा, फिर लोगों की बातों की केयर नहीं करेगा और इसको कभी सदमा भी नहीं होगा। अच्छा।